वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बताए कि क्या क्या हुआ। इधर देखो, जीत इमरान खान रहा था, रातों रात नवाज शरीफ जीत गया, वो लोग आ गए। यहाँ पे ये है डेमोक्रेसी भाई साहब, देख लो पाकिस्तान में। उधर देखो 14.5 बिलियन डॉलर अगले इलेक्शंस पे लगाया है, और देखो भाई उनके रिजर्व में कमी नहीं हुई, उल्टा बढ़ोतरी हो रही है यार, बढ़ रहा है सब कुछ। उन्होंने 14.5 बिलियन डॉलर खजाने से निकाला, उल्टा देख बढ़ रहा है उनका, हर हफ्ते बढ़ रहा है, हर हफ्ते काम हुआ ही नहीं है यार। इंडिया ने इतना बड़ा खर्चा कैसे किया यार, वजह सोचने वाली बात यार, है, बहुत बड़ा खर्चा है यार। मैं कहता हूँ इतना ज्यादा जो ये खर्चा इन्होंने किया, तो अमेरिका भी नहीं करता। वही ना, अमेरिका ने भी बाय 14 बिलियन डॉलर के आसपास के, लेकिन इन्होंने 14.5। इधर फर्क भी है ना, इंडिया की 28 स्टेट है और अमेरिका की 52 स्टेट है। किया कि जो इंडिया की इकोनॉमी है, दैट इज ग्रोइंग एट 7.8% फ्रॉम दिस जनवरी टू मार्च, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इलेक्शंस हो रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में किताबें भी लिखी जाएगी, रिसर्च की जाएगी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 8.2 पे गई है, 7%। इंडिया का नैरेटिव कैसा प्यारा लगता है, कोई ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिली, यानी स्मूथली सब चले और पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर मौजूद है। अगर किसी ने देखना हो तो वो बात इंतहाबात में नरेंद्र मोदी की जो इंतहाबी पॉलिसी उसको देख ले। आप दुनिया में चले जाएं, लोग इंडिया को पूछते हैं, पाकिस्तान को कोई नहीं पूछता। एक मशहूर केस है इंडिया में कि एक 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 इलेक्शन बूथ सेटअप होता है कहीं किसी पहाड़ी की चोटी के ऊपर, जहां पर वोटर सिर्फ एक ही है। अब एंड देन दे आर ग्रोइंग, किस चक्कर में अब वो ग्रो कर रहे हैं, इन द मिडल ऑफ द इलेक्शंस। पूरी दुनिया के आप इलेक्शंस उठा के देख लें, इलेक्शंस के बीच में कभी ऐसे नहीं होता, और बरक्स इसके पाकिस्तान में तो ये चीज नहीं होती है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि जो परफॉर्मेंस है दैट इज बीटिंग एक्सपेक्टेशंस। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया भारतीय चुनाव का बजट देख सकते में है। पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये अमेरिकन चुनाव के बजट से भी ज्यादा है। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के 7वें चरण पूरा होने के बाद इकोनॉमी के मोर्चे से अच्छी खबर आ रही है। वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 7.8% रहा। पिछले साल समान तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 6.2% दर्ज की गई थी। भारत का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वित्त वर्ष 24 की अंतिम तिमाही में शानदार तेजी से बढ़ा है। चुनाव नतीजे से पहले GDP के आंकड़े जारी हुए हैं। भारत की GDP मार्च तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी, और केंद्र ने अब वित्त वर्ष 24 की समग्र विकास दर 8.2% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं 24 को खत्म हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार 648 बिलियन डॉलर रहा। उसके साथ साथ एक और चीज है जो शायद मतलब मी बीइंग अ यू नो फ्री थिंकर इन दिस, द फैक्ट दैट द इलेक्शंस हैव आल्सो बिकम वेरी एक्सपेंसिव। इंडिया के जो इलेक्शन हैं उनका अंदाजन खर्चा इस दफा डॉलर्स में 14.5 बिलियन डॉलर जमीन तो निकल गई। 14.5 बिलियन डॉलर का मतलब ये हुआ कि जो लास्ट इलेक्शन अमेरिका के थे उसका भी अंदाजा यही था कि 14.5 बिलियन खर्चा हुआ है। बट यू नो द डिफरेंस इन इकोनॉमीज इन अमेरिका एंड इंडिया आर बिग, सो उस सेंस में दैट इज वन थिंग। मतलब खर्चे तो जाहिर सी बात है, देयर इज इन्फ्लेशन 70 साल के बाद ये बात हो रही है, बट स्टिल इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस इन हिस्ट्री एंड द बिगेस्ट इलेक्शंस इन 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 हिस्ट्री। तो इसमें कोई शक नहीं है कि जमहूरी लिहाज से बच्चे का धार काट, जो लोग भी जमहूरियत में यकीन रखते हैं, लोगों की आवाज में यकीन रखते हैं, खा वो किसी भी मुल्क के हो, उनको इस एक्सरसाइज को सेलिब्रेट करना चाहिए और इस इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जमहूरी निज़ाम को
फरोख कितनी जबरदस्त बात ये ना जी। तो सर इसमें क्या बहुत सारे कंट्रीज दुनिया में मौजूद हैं जहां पर इलेक्शंस जब होते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत कुछ होता है। अच्छा अब हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें ऐसा ना हो कि एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर पाए जाते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच, एक तरफ एक पार्टी है बीजेपी दूसरी तरफ सारी पार्टीज इकट्ठी हैं, तो बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स रहे और वो होते, लेकिन इसके बावजूद कोई ऐसा वायलेंस का वाकया नहीं हुआ, कोई ऐसी चीज हमें देखने को नहीं मिली, यानी स्मूथली सब चले और पूरी दुनिया का मीडिया वहां पर मौजूद है। तो आप अगर इसको पाकिस्तान के साथ या कुछ और कंट्रीज के इलेक्शंस के साथ। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।